Very good morning, kids. Today I am going to start our next stanza. Last class में हम लोग देखे कि माला को question किए थे अनु की where do you live? आप कहाँ रहती हो? अभी answer देगा माला. माला did not answer. I thought she had not heard me. अभी अनु को लगा कि माला डिड नॉट आंसर, माला आंसर नहीं किए, उत्तर नहीं दिया, तो अनु को लगा कि वो सुनी नहीं. आई वॉज अबाउट टू रिपीट माई क्वेश्चन व्हेन अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स गैदर्ड राउंड हर डेस्क. जबकि ना सारी लड़कियां आके माला के डेस्क के सामने गैदर्ड हुए थे, तब फिर से रिपीट किए अनु ने कि आप कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव. दे वेर बिजी टॉकिंग एंड माला वॉज टेलिंग देम हाउ सी हैड लर्न टू स्विम. दे वेर बिजी मतलब वो सारे जो गर्ल्स थे उन माला के डेस्क के सामने सारे लोग बहुत बातें कर रहे थे और माला क्या कर रही थी, बता रही थी कि हाउ सी हैड लर्न टू स्विम, कैसे वो स्विम सीखे, तैरना सीखी है. वही सारा चीज जो लड़कियां उनके पास आए थे उनके डेस्क के सामने उन सबको बता रही थी. आई मूव्ड क्लोजर टू हर एंड आस्क्ड डू यू स्विम माला. मतलब अनु ने और नजदीक आए माला के और फिर आस्क्ड मीन पूछे कि डू यू स्विम माला, माला आप स्विम मतलब तैरती हो. यस यस ये माला का आंसर है, हाँ. आई ऑल्सो स्विम, आई ऑल्सो स्विम ये अनु का आंसर है कि मैं भी तैरती हूँ, मुझे स्विमिंग आती है, ऐसे ही बताए. ओ सी सेड एंड टर्न टू हर. ओ मतलब ये माला ने आंसर दिए कि अच्छा आप भी स्विम करते हो, ऐसे करके ओह सी सेड एंड टर्न टू हर फ्रेंड्स. फिर मुंह घुमा लिए उनके जो फ्रेंड्स आए थे उनके डेस्क के पास, आप पिक्चर में भी देख सकते, सोची कि ये माला है, माला है, ये सारे फ्रेंड्स इनके पास आए और ये अनु है. ओह सी सेड एंड टर्न टू हर फ्रेंड्स अगेन इग्नोरिंग मी, मतलब फिर से मुझे जैसे इग्नोर किए. आई फेल्ट इंसल्ट व्हेन आई रीच होम दैट आफ्टरनून मदर्स फर्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ वॉज योर डे अनु. मतलब फिर से मुझे लगा कि माला ने मुझे इग्नोर करे, सी सेड एंड टर्न हो गया, तो मुझे सच्ची में लगने लगा कि इस टाइम माला ने मुझे इग्नोर कर रही है, बाकी फ्रेंड के साथ वो बोलने लगी. आई फेल्ट इंसल्ट, मुझे इंसल्ट भी, ये सारे डायलॉग जो है ये अनु का है, क्योंकि अनु को इंसल्ट इसलिए फील हो रही कि उसका फर्स्ट डे था, वो नहीं थी सबके लिए. आई फेल्ट इंसल्ट मतलब ये आई जो है ये अनु है, अनु बोल रहे आई फेल्ट इंसल्ट व्हेन आई रीच होम, जबकि ना अनु घर पहुंची दैट आफ्टरनून उस दिन शाम मतलब दोपहर के बाद. मदर्स फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, मम्मी का उनके अनु के मम्मी का फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ वॉज योर डे अनु, आपका दिन कैसा रहा. अनु को पूछे कि अनु आपका आज का दिन कैसा रहा, क्योंकि मॉर्निंग में वो रो रही थी, फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको चलने का मन नहीं कर रहा था कि पहला दिन हम नहीं जाएंगे, कैसा होगा, मेरा कोई अपना फ्रेंड है ही नहीं, किसके साथ हम बात करेंगे, इतनी सारी चीज मम्मी को बताए. फिर पापा ने उसको स्कूल पहुंचाए, पियो ने उसको अपनी क्लास में ले गए, फिर क्लास टीचर सबके साथ अनु का इंट्रोडक्शन कराए. और जो माला था वो दिखने में भी सुंदर थी, तो अनु को लगा कि अच्छा है, मेरा अच्छे से टाइम स्पेंड होगा, मेरा फ्रेंड भी बनेगा. लेकिन माला ज़्यादा उससे बात नहीं कर रही थी, बाकी क्लासमेट से वो बात कर रही थी, इसलिए अनु को इंसल्ट फील हो रहे थे. फिर जैसे वो घर पहुंची मम्मी भी पूछने लगी कि हाउ वॉज योर डे अनु, आपका दिन आज कैसा रहा. आई बर्स्ट इन टू टीयर्स एंड बिटवीन सब्स
सेड आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन, मतलब फिर वो रोने लगी, एकदम वर्स्ट हो गया. और क्या शब्स मीन मतलब ऐसी करके आवाज करके खूब रोने लगी. आई एम नॉट गोइंग देयर, फिर अनुने बोलने लगी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मतलब उसको स्कूल आने का मन नहीं है, नहीं आएगी स्कूल, ऐसे ही मम्मा को बोलने लगी. द गर्ल्स आर नॉट फ्रेंडली, फिर वो बोली कि सारे जो गर्ल्स थे क्लास में वो सारे फ्रेंडली नहीं हैं. इन द मॉर्निंग सम चिल्ड्रन लाफ्ड एट मी, फिर बोले कि जब मॉर्निंग में मैं स्कूल गई कुछ बच्चे स्टूडेंट्स मुझे देख के हंस रहे थे. नोबडी स्पोक टू मी इन द क्लास, कोई मेरे साथ क्लास में बात भी नहीं किए. मम्मी हग्ड मी इन हर आर्म्स, नो नो अनु डोंट क्राई, गिव देम अ कपल ऑफ डेज. फिर मम्मी ने मी मतलब अनु का ही डायलॉग है, अनु खुद बोल रही कि मम्मी ने उनको हग किए अपनी बाहों में लेके. ये देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये मम्मा है, ये अनु है. अनु रो रही थी बहुत जोर जोर से, इसलिए मम्मा उसको प्यार करने लगी. नो नो नहीं अनु, डोंट क्राई मत रोइए, जैसे हर मामा आपको बोलते हैं ना, आपके मामा कभी आप रोते हो तो ऐसे अनु के मामा भी अनु को बोले नहीं अनु मत रोइए. गिव देम अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिन उन लोगों को दीजिए. डू यू वर्क वेल एंड बी फ्रेंडली एंड यू विल सी थिंग्स विल वर्क आउट डिफरेंटली, मतलब मामा ने उसको समझाने लगी कि डू योर वर्क वेल, अगर आप अच्छा काम करोगी एंड बी फ्रेंडली सबके साथ फिर भी बात करोगी, भले वो लोग आपको इग्नोर करे फिर भी आप बात करोगी. एंड यू विल सी, और आप देखोगी थिंग्स विल वर्क, आपका ये सब काम कर रहे आउट डिफरेंटली, दूसरे टाइप से काम कर रहे, मतलब सारे लोग फिर सोचने लगेंगे कि अनु बहुत अच्छी लड़की है, सबके साथ बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ बात करती है, सबको हेल्प करती है, ऐसे सबको लगने लगेंगे. ऐसे मम्मा ने अनु को समझाने लगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ टॉक विथ मम्मा मम्मी आई वॉज रेडी अगेन, फिर यही डायलॉग अनु का है. अनु बोले कि दूसरे दिन फिर सुबह मम्मा के साथ कुछ देर तक बात हुई. आई वॉज रेडी अगेन, फिर से हम तैयार हो गए थे. वॉकिंग टू माई क्लास आई नोटिस नोबडी हैड गिगल्ड, मतलब फिर वो स्कूल गई, फिर देखी कि नोटिस की कि कोई उसको देख के जैसे खिखी खिखी ऐसे हंस रही थी. लास्ट डे में ऐसा कुछ नहीं था. आई फेल्ट स्लाइटली बेटर, फिर अनु को आई मीन्स अनु फेल्ट कर रहे, मतलब उनको लग रहे थे, फील हो रहे थे कि पहले से कुछ तो बेटर आज लग रहे थे कि मुझे देख के कोई ऐसा हंस भी नहीं रहे है आज, कल तो हंस रहे थे, कल फर्स्ट डे था, सबको लगा कि ये कौन है कहाँ से आई, इसलिए कुछ बच्चे उसके ऊपर हंस भी रहे थे मॉर्निंग में. द लास्ट टू पीरियड्स वेयर फॉर गेम्स, लास्ट का दो क्लास जो था वो पीरियड जो था वो था गेम्स पीरियड. वन बाय वन ऑल लेफ्ट द क्लासरूम, एक एक करके सारे बच्चे क्लासरूम से निकल गए. आई सेट देयर लोनली एंड डिप्रेस्ड, आई मीन्स अनु खुद का ही बात बोल रहे कि हम अकेले और डिप्रेस्ड होके बैठे रह गए. आई ट्राइड टू रीड अ बुक, फिर अनु को लगा कि थोड़ा मैं बुक पढ़ लूँ, बट माई माइंड वॉज नॉट इन इट, फिर उसको खुद ही फील हो रहे थे कि मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं है. एट डिनर दैट इवनिंग माई फादर एंड आई वेर डिस्कसिंग माई डे एट स्कूल, फिर डिनर टाइम में रात के खाने में अनु और उनके पापा का बातचीत हो रहे थे कि माई डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा दिन कैसा रहा. हाउ इज योर गेम्स टीचर अनु, हाउ इज योर गेम्स टीचर अनु, ये पापा का डायलॉग है. आई डोंट नो आई डोंट गो फॉर गेम, फिर अनु ने बोले कि मैं नहीं जानती हूँ. आई डोंट गो फॉर गेम्स, हम गेम्स के लिए गए भी नहीं. अब पिक्चर में भी देख सकते
ये पापा हैं, ये अनु हैं, ये रात के डिनर में दोनों अपने डाइनिंग टेबल में हैं। और पापा ने पूछने लगे, जैसे मम्मा ने फर्स्ट डे स्कूल से आई तो पूछने लगे कि आपका दिन कैसा रहा, तो नेक्स्ट डे जो सेकेंड डे थे उस दिन पापा ने डिनर टाइम पे अनु को पूछे कि आपका गेम्स टीचर कौन है, कैसा है, ऐसे उसको पूछने लगे पापा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इधर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट डे में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर, एंड बाकी जो आपके पिक्चर्स हैं नेक्स्ट पेज में, 65 पेज में, इसके बारे में भी आपको हम समझाएंगे। ओके okay?